नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में बीते दिनों रांझी में एक मस्जिद निर्माण को तोड़ने की घोषणा से नाराज मुस्लिम समाज के वकीलों द्वारा जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम समाज के वकीलों ने कलेक्टर से निवेदन किया है कि वो सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जिला कलेक्टर ने भी ज्ञापन सौंपने आए लोगों को आश्वासन दिया है इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मड़ई में एक मस्जिद निर्माण को रोकने के लिए कार सेवा निकाली थी। हिंदू संगठनों का कहना था कि मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा है। इधर मुस्लिम समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर ने बताया कि मस्जिद से संबंधित उनके पास सारे दस्तावेज लिए गए हैं। मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग शहर की फिजा को बिगाड़ने के लिए इस तरह के कार्य को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। धार्मिक मस्जिद को तोड़ने की घोषणा करने वालों पर NSA की कार्रवाई की मांग मुस्लिम वकीलों द्वारा की गई है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। और दूसरी बात ये सर, एक कटंगी में भी इसी तरह का माहौल निर्मित हुआ था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कटंगी में भी TI जो पूजा उपाध्याय जी हैं उनसे भी बराबर संपर्क किया गया, उनसे कहा गया संज्ञान ले। आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका भी मैंने एक आवेदन आपको दिया हूँ तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले। हमारे एक बच्चे ने ओमती थाने में एक छोटा सा उसने फेसबुक पे वो लिख दिया था, उसकी गिरफ्तारी हो गई थी बिना किसी उसके। पुलिस स्वतः कार्रवाई करती है, स्वतः संज्ञान लेती। बहुत सारे ऐसे मैटर हुए हैं जिसमें किसी ने FIR दर्ज नहीं किया, पुलिस ने कार्रवाई कर दी। लेकिन यहाँ हम लोग चिल्ला चिल्ला के परेशान हैं, हम लोग के अधिकारों का हनन हो रहा है। और ये जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं ये खुलेआम घूम रहे हैं, समाज में ये मैसेज जा रहा है कि गलत लोगों का साथ जो है प्रशासन दे रहा है। अभी यही प्रतिक्रिया अगर किसी मुस्लिम समुदाय की तरफ से हुई होती तो JCB भी चली जाती, उसको अरेस्ट भी कर लिया जाता और सारी प्रोसेस हो गई होती। तो हम लोगों के साथ भी न्याय किया जाए, कानून सबके लिए एक सा है, उस पर FIR दर्ज की जाए। आज हम सब मुस्लिम लीगल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कुछ मुद्दों को लेकर कलेक्टर साहब से मुलाकात करी, जिसमें कि मड़ई मस्जिद का मामला था। सदर में जो एक असामाजिक तत्व ने खुलेआम गाली गुप्तार करा उसके संबंध में मामला था। तो मड़ई मस्जिद के मामले में हम लोग ने कलेक्टर साहब से इस बात का ज्ञापन दिया है और कार्यवाही करने के लिए अपील की है कि ये कौन होते हैं कि हमारे धार्मिक स्थल को अवैध और वैध कहने वाले। क्या वो कलेक्टर हो गए हैं, क्या वो न्यायालय हो गया है जो वो ये तय कर देंगे कौन सा स्थल वैध है या अवैध है। उसके लिए कोर्ट कचहरी सब खुला हुआ हैगा, मगर इनका भीड़ तंत्र जो है उसको लेकर ये वहाँ पर मड़ई मस्जिद गए। अगर पुलिस प्रशासन कार्यवाही नहीं करता, रोकथाम नहीं करता, तो 100% ही जबलपुर शहर की फिज़ा ख़राब होती है। तो इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है कार्यवाही करने के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं और ये बोलते हैं कि हम कार सेवा करने जा रहे हैं। किसी धार्मिक स्थल को तोड़ना कार सेवा में नहीं आता हैगा। पहले अपने माँ बाप की सेवा कर लें, देश की सेवा कर लें, यही सबसे बड़ी कार सेवा होती है। कि किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ना कार सेवा नहीं होती है। मैं फिर से यही बोलता हूँगा और शासन प्रशासन से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे तत्व जो ओछी मानसिकता और ओछी राजनीति करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसी के संबंध में एक और जो सदर मस्जिद के सामने एक असामाजिक तत्व ने मुसलमान वर्गों को जो गाली गुप्तार किया था, उसके खिलाफ भी हम लोग ने NSA की कार्रवाई के लिए निवेदन किया है कि इनको अगर प्रशासन अगर कार्यवाही करता है तो ये नज़ीर बन जाएगी। तो आगे आने वाले जो भी लोग हैं वो किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इनके खिलाफ चूंकि कोई कार्यवाही नहीं हो रही तो इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सबसे पहले किसी के धर्म की भावना का कोई ख्याल नहीं किया जाता और अपने आप को ये कोर्ट कचहरी से ऊपर मान कर किसी को भी धार्मिक स्थल को अवैध या वैध घोषित करके ये तोड़ने पहुँच जाते हैं, जो कि एक सांप्रदायिक तनाव फैलाने की इनकी पूरी आशंका रहती है, जो कि हम विफल नहीं होने देंगे। इसी के साथ हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया हैगा कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपसे कलेक्टर साहब ने कलेक्टर साहब ने हमको ये आश्वासन दिया है कि ये इस मामले को देखेंगे, इस पर संज्ञान लेकर अगर जो भी उचित कार्यवाही होगी वो करेंगे।
और ये जो 10 दिन वाली जो बातें हैं कि 10 दिन में आके तोड़ देंगे, उसके संबंध में भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी ऐसा कह रहा है उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान खान, वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम लीगल एंड वेलफेयर सोसाइटी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।